नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 10, भालू ने कान में क्या कहा। जैसे कि मैं पता चल रहा है कि यहाँ पर एक प्रश्न ही पूछा जा रहा है, इसीलिए पाठ के नाम में ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कहानी दे रखी है कि हमें किस तरह के मित्र बनाने चाहिए। पहले से मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी इस कहानी के बारे में, क्योंकि हम इस अध्याय को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में कहानी का मजा लेते जाएंगे। सोनू और मोनू दोनों गहरे मित्र थे। कैसे मित्र थे? गहरे। दोनों का नाम क्या था? सोनू और मोनू। वे एक ही गांव में रहते थे। एक दिन दोनों बाजार जा रहे थे। गांव से बाजार तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कहां से होकर गुजरना पड़ता था? जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जब दोनों मित्र जंगल से गुजर रहे थे, उसी वक्त उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। दोनों डर गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों को नहीं समझ में आया, अब हमारे सामने भी अगर इतना बड़ा जानवर आ जाए, भालू आ जाए, शेर आ जाए, तो हम भी डर जाएंगे ना कि हमें समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। इसी तरह सोनू और मोनू भी डर गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सोनू मोनू को अकेला छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। देखा क्या किया उसने, मोनू को अकेला छोड़ के ही जो सोनू है वो पेड़ पर चढ़ गया। पर बेचारे मोनू को तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। वे सोच में पड़ गया। तभी उसे ध्यान आया कि जो भालू है मरे हुए जीवों का शिकार नहीं करता, अतः वे सांस रोककर वहीं जमीन पर लेट गया। आपको भी इसी तरीके से चैप्टर का रीडिंग करना है, इसी तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या देखा था हमने कि जो सोनू है वो तो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन जो मोनू है उसे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तो उसने एकदम ध्यान लगाया और उसे याद आया कि जो भालू है वो मरे हुए जीवों को नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। इसीलिए उसने क्या किया, मरने का नाटक किया, अपनी सांस रोक ली और जमीन पर लेट गया। यहाँ देखो हमने चित्र के साथ दिखा रखा है ना कि दोनों सोनू और मोनू खड़े हैं, जा रहे हैं जंगल से, और उन्हें रास्ते में एक भालू भी दिखाई दे गया है ना। भालू उनके रास्ते में आ गया। दोनों सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अगले चित्र में देखो हमें यहाँ पे दिखा रखा है कि मोनू ने जमीन पर लेट गया और वो जो है अपनी सांस रोक के लेटा हुआ है और भालू उसके पास आ गया। अब देखें आगे कि भालू क्या करता है, मोनू को खाता है या नहीं खाता है। भालू उसके नजदीक पहुंचकर उसे सूंघने लगा। भालू को लगा कि वह मर गया है, वह उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर चला गया, तब सोनू जो पेड़ पे चढ़ गया था ना, वो सोनू पेड़ से नीचे उतर आया और मोनू से बोला, मोनू उठ जाओ, भालू चला गया है। अब मोनू को तो पता नहीं चलता ना कि भालू गया नहीं गया, लेकिन वो तो सांस रोककर जमीन पर काफी देर तक लेटा रहा कि आखिर तो भालू चला ही जाएगा। लेकिन सोनू पेड़ पे चढ़ के सब कुछ देख रहा था कि कैसे मोनू लेटा हुआ है और भालू उसके पास आया और उसको सूंघा और सूंघ के चला गया। तो वो फटाफट नीचे उतर के आ गया कि चलो भालू चला गया। मोनू को जाके कहते हैं कि मोनू उठ जाओ, भालू चला गया है। मोनू उठकर बैठ गया। फिर सोनू ने मोनू से मजाक में पूछा। जैसे ही भालू चला गया था तो मोनू उठ के बैठ गया था, तो सोनू ने मजाक करते हुए मोनू से पूछा, मोनू भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? सोनू ने कहा, भालू कह रहा था कि जो मित्र बुरे समय में साथ छोड़कर भाग जाए वह विश्वास करने योग्य नहीं होता है। सच्चा मित्र कौन सा होता है? जो मुसीबत में हमारी सहायता करता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता है, अपने साथ साथ हमारी भी जान बचाता है और हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाता है। जबकि सोनू ने क्या किया था, सिर्फ अपनी अपनी सोची, सिर्फ अपनी जान बचाने की सोची, उसने मोनू की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जैसे ही देखा कि सामने मौत खड़ी है, भालू आ गया, फटाफट वो पेड़ पे चढ़ गया। उसने मोनू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो मोनू ने क्या कहा कि क्या कह रहा था भालू? भालू कह रहा था कि जो मित्र बुरे समय में साथ छोड़कर भाग जाता है उस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमारा सच्चा मित्र नहीं होता है। इतना कहकर मोनू ने उससे दोस्ती तोड़ ली और अकेले ही वापिस चला गया।
अच्छी थी ना कहानी? क्या सीखने को मिला आपको इस कहानी से? कि सच्चे मित्र की पहचान हमें मुसीबत में ही होती है, और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में हमारे काम आता है, हमारा साथ देता है, अपने साथ साथ हमारा भी अच्छा सोचता है। ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, खुद से इस चैप्टर को पढ़ना है और रीडिंग करनी है। आज की मैं मेरी कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।